माँ की दुआएं। लगता है राघव आ गए। गुड मॉर्निंग। डिड परी गेट अप? यस, वह रेडी हो रही। राघव, ये आपने ठीक किया कि परी को जिम ज्वाइन करा दी। हाँ, बाय द वे वह काफी हेल्दी हो गई हैं। यस प्रीति, और 2-3 साल में उसकी शादी भी तो करनी है। ओके, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। ओके। कुछ समय बाद माँ का फोन आ गया। हेलो बेटा, कैसा है तू? माँ, मैं फोन रख रहा हूँ, लेट हो रहा है ऑफिस का। लगता है नेटवर्क नहीं है, इसलिए फोन कट हो गया होगा। कोई बात नहीं। Are you ready, बेटा? Yes, mama. Where is dad? Living room में है। Okay, mama, bye. Are you going, बेटा? Dad. What, बेटा? I need some money. How much? 10,000, dad. We are going for college tour. Okay, beta. Yes. Thanks, dad. Dad. Okay, dad, bye. Bye, beta. Shanta. Are you Shanta? Hem. Tu gayi nahi doctor ke paas? Kya hua? Tumhara chehra itna utara hua kyun hai? तुम राघव से बात कर रही थी क्या? हाँ। और उसके पास टाइम नहीं होगा तुमसे बात करने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तू तो छुपा ले, हमने देखा है कि भाई साहब के गुजर जाने के बाद कितनी कठिनाइयों से तूने राघव को पाला, और आज उसके पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने को। जाने दे ये सब बातें, तू सबसे पहले डॉक्टर के पास चल। तू ये शॉप क्लोज कर और चल, तुम्हारी हेल्थ बहुत खराब हो गई है। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तू रुक, तू दुकान संभाल, मैं खुद जाके आती हूँ। ठीक है, तू जा जल्दी। हाँ, जाती हूँ। ओ, कितनी गर्मी है, पता नहीं कहाँ है डॉक्टर का क्लिनिक, आगे जाकर पूछती हूँ किसी से। बेटी जरा सुनना, क्या तुम्हें मालूम है डॉक्टर ककर का क्लिनिक? यस आंटी, सामने जो बिल्डिंग देख रही है ना, उसी में फर्स्ट फ्लोर में है। धन्यवाद बेटी, वेलकम आंटी। कम इन। क्या हुआ माँ जी? बेटा पता नहीं क्यों चक्कर आते हैं और कमजोरी लगती है। माँ जी, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, आपका वजन जरूरत से ज्यादा कम है। आप खाने में जूस, सलाद, दूध, फल, घी और हेल्दी फूड लीजिए, नहीं तो आपकी सेहत दिनों दिन गिरती जाएगी और हालत और नाजुक हो जाएंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं ख्याल रखूंगी, चलती हूँ बेटा। अरे बाबा, बहुत थक गई। इतनी महंगाई में ये सब कहाँ से आएगा, और कई सालों से घर में फ्रूट दूध कहाँ आया है? बहुत ही मामूली दुकान से तो सिर्फ घर के जरूरी सामान ही आ पाते हैं, सारी अमानत जेवर सब तो बेटे की पढ़ाई में ही खर्च हो गए। क्यों ना बेटे को एक बार डॉक्टर की रिपोर्ट बता दूं? इन राघव्स ऑफिस द वर्क इज नाउ ऑलमोस्ट ओवर। माँ। हेलो माँ। हेलो बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? बेटा आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या हुआ माँ, डॉक्टर क्या बोले? बेटा डॉक्टर बोले कि खून की कमी और कमजोरी से चक्कर आए थे, इसलिए डॉक्टर खाने में जूस, फल, दूध लेने को बोले हैं। माँ, आपको जो खाना है खाओ, डॉक्टर की बात मत मानो। बेटा अगर थोड़े पैसे भेज देता तो ठीक रहता। माँ, इस महीने मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, कल ही तो तेरी पोती को मैंने फिटनेस जिम ज्वाइन करवाया है, तुझे तो पता ही है वो कितनी मोटी हो रही है, इसलिए जिम ज्वाइन कराया है, उसके महीने के 7,000 रुपए लगेंगे।
और कम से कम 5 माह तो उसे भेजना ही होगा। 35,000 का ये खर्चा आ गया और जरूरी भी है। आखिर 2-3 साल में उसकी शादी भी तो करनी है और आजकल मोटी लड़की कोई पसंद नहीं करता। हाँ बेटा, ये तो जरूरी भी था। कोई बात नहीं, वैसे भी डॉक्टर लोग तो ये से ही कुछ भी कहते रहते हैं। चक्कर तो गर्मी की वजह से आ गए होंगे। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखता हूँ। बेटी के लिए डाइट चार्ट ले जाना है और कुछ जूस फ्रूट और डाइट फ्रूट भी। आप अपना ख्याल रखना। चलो थोड़ा आराम कर लूँ, फिर दुकान भी तो खोलनी है। सारे वर्क खत्म हो गए और टाइम भी हो गया घर जाने का। वो कल गणेश चतुर्थी है, कल तो शैली का फास्टिंग रहेगा। पूजा का सामान लेके आने को बोली थी और परी का भी डाइट चार्ट लेना होगा। बहुत आराम कर ली, चलो अब दुकान खोला जाए। कुछ घड़े बिक जाते तो कल की गणेश चतुर्थी के लिए लड्डू हो जाते। हे भगवान मदद कर। माँ जी, मुझे 4 घड़े दे दीजिए। हाँ हाँ जरूर बेटा, रुको मैं देती हूँ। ये लीजिए माँ जी, 500 रुपए। ठीक है बेटा, है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे पैसे हो गए। अब मैं लड्डू ले पाऊंगी बेटे के सुख समृद्धि के लिए। कल उपवास भी तो रखना है। धन्यवाद भगवान। तो देखा दोस्तों आपने, माँ तो आखिर माँ ही होती है। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, उसके मुंह से हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं ही निकलती है। यही तो होती हैं दोस्तों माँ की दुआएं।